सिक्स में है, हमें ए एंड बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं ऑफ ऑर्डर सिक्स, ठीक है, उनके ऑर्डर सिक्स हैं, और हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है जी 144। हमें फाइंड करनी है वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, टू ए और ए बी सिक्स, और हमें ये भी बताया गया कि ए और बी का जो ऑर्डर है वो सिक्स है, ठीक है। यहाँ कुछ रूल होते हैं, उस रूल को यूज करेंगे, प्रोडक्ट थ्योरम कहते हैं कि जो फर्स्ट वाली हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है इसको हम सबमिट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर अलग कर सकते हैं, और ये 72 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हम इस तरह अलाउ रहे इसमें कर सकते हैं। फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैसे रहेगा, और जो ये जो स्क्वायर है बी का इसको हम बाहर ला सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये इस सारे का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 72, इसको नंबर बन जाएगा। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं दूसरे के लिए, पहले इसको अलग कर लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर अलग हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर अलग हो जाएगा इज इक्वल टू 144, और फिर ये स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इस सारे का स्क्वायर बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी उस सारे का स्क्वायर बन जाएगा, और जब 144 आएगा इसको नंबर टू कह। अब हमने जो कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है इसको डिवाइड कर देते हैं, हम टू डिवाइड बाय वन कर देते हैं, तो टू पहले लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस सारे का स्क्वायर है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू 144 है, और ए से डिवाइड करेंगे तो ए की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बनती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इसका स्क्वायर है, और ओवर में आ जाएगा 72, ठीक हो गया। ये वाला इक्वल साइन हम यहाँ से खत्म करके यहाँ यहाँ में इनको डिवाइड कर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो पूरा फैक्टर है इससे कट जाएगा, ये इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो जो मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा ऊपर से रह जाएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, ये सारा बाकी कट गया। और ये देखिए 144 ओवर 72 को आप कैंसिल करें, 2 पे करेंगे तो ये 72 आएगा, तो ये फिर 1 बन जाएगा, सॉरी इसका 2 ये चीज़ इसको ट्वाइस करें तो ये बन जाएगा 144, तो ये 2 आएगा, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए बन जाएगा उसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे। फिर वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ जो 2a है इसकी वैल्यू, अब जो कांस्टेंट है इसको बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट बाहर शिफ्ट करना है तो इसकी पावर में आएगा a का ऑर्डर जो कि 6 दिया हुआ है, तो ये इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस द ऑर्डर ऑफ ए जो दिया हुआ है वो 6 है, तो इसलिए उसकी पावर 6 है, जो एक ऑर्डर होगा जब भी कॉन्स्टेंट बाहर शिफ्ट करेंगे तो जो एक ऑर्डर है वो उसकी पावर में आएगा, 2 की पावर 6 करेगा काल्पन ये आता है, 2 times 2 times 3 times करेंगे तो वो 8 आएगा, फिर 16 बनेगा, 32 and 64 बन जाएगा, और जब हम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं ये 2 के बराबर है, ये 128 भी दूसरे की। उसके बाद देखिए तीसरा, उसने कहा था कि आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सिक्स इसकी वैल्यू, इसके लिए हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, बिकॉज वो भी इसमें इस्तेमाल होनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की तो निकाल चुके हैं, बी की निकालनी पड़ेगी, तो बी की निकालने के लिए हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 2 में से कोई इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक आप अगर इक्वेशन नंबर देखिए 1 देखिए 1 1 में क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू 2 है, तो ये 2 बन जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इस सारे का स्क्वायर है, और ये 72 यहाँ पे आएगा, 2 पे डिवाइड कर दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 72 ओवर 2 टू 36 आ जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर भी लेफ्ट हैंड साइड इसका स्क्वायर,
यहाँ पे लें इसके रूट, यहाँ पे लें इसके रूट, देखिए इसका जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ जो बी आ रहा है ये प्लस माइनस सिक्स आ रहा है, ठीक है। 36 का जो स्क्वायर रूट है मेरे पास प्लस माइनस सिक्स आ गया। अब मेरे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, इनको यूज़ करते हुए अब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ जो भी मैंने एक्सप्रेशन नीचे लिखी हुई उसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर है, इसकी वेरीफाइंड करते हैं, यूज करेंगे पहले इसको सबमिट कर दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए अलग हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर सिक्स अलग हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा, ए रह जाएगा और इसकी जो पावर सिक्स है बाहर रहेगी, डिटरमिनेंट ऑफ बी इसकी पावर सिक्स बन जाएगी। डिटरमिनेंट ऑफ जो ए है उसकी वैल्यू मेरे पास टू है, निकाल चुका हूँ पहले, और जो बी की अपने आ गई है ये प्लस माइनस सिक्स इसकी पावर सिक्स आ जाएगी, और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पावर में सिक्स है, इवन नंबर है तो वो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि वो इवन का भी अब जो है वो प्लस रहेगा, तो ये आपका आएगा 933, ठीक है। इसी क्वेश्चन है, सेवन भी ऐसा ही है, एट भी ऐसा ही, ठीक है। आपने इसी मेथड से जो दो लॉ आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, दो लॉ आपने इस्तेमाल करने हैं और उन लॉ की मदद से जो है आप ये बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने मुझे दो जो लॉ है वो आप सही तरह ऊपर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक मिनट ये यहाँ ले लें पहले स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा प्लीज सर नीचे कर, सिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट, ये इसका पहला सिक्सटीन बनेगी और जो अच्छा इसमें जो रूल मैंने इस्तेमाल किया है, जो रूल ऑफ किया गया वो क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ अगर ए इंटू बी हो तो हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है, सबमिट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ दूसरा जो रूल इस्तेमाल हुआ है वो ये हुआ है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर अगर m है तो आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a इस सारे की पावर m, ठीक है, ये मैंने रूल अडॉप्ट किया है। और तीसरा रूल मैंने जो इस्तेमाल किया है वो ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ कोई कॉन्स्टेंट k टाइम a है, ये बराबर आएगा k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, फिर जो n है वो ऑर्डर ऑफ a, वो ऑर्डर ऑफ a होगा, जो ऑर्डर मैट्रिक्स का दिया है ऑर्डर ऑफ जो a है वो n के बराबर है। ये तीन रूल इस्तेमाल किए हैं और इन तीन रूल की मदद से ये मैंने क्वेश्चन मुझसे सॉल्व किया है, सेम सेवन है सेम एट है, आपने ये घर में ट्राई आउट करना है। इवन लास्ट में वो क्वेश्चन ये थे करने के ही, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने थे आपको असाइन किए थे, मैं इसमें से कुछ आपको सवाल तो आपको बाकी आई होप कि आपने कर लिए होंगे, आपने नहीं किए तो आपने कंप्लीट कर लेने हैं, जो क्वेश्चन डिफरेंट है मैं उसको पाने लगा हूँ, सारे में नहीं करवा सकता उनको सेम क्वेश्चन हैं, तो जो डिफरेंट आ रहे हैं वो भी मैं करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में है आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें दिया हुआ है 1, 2 + x और 3, तो ये 2 है 1 है 3 + x है और 3, 2 + x और 1 है, इसका मॉड दिया हुआ है डिटरमिनेंट और ये इक्वल टू है 0 के। यहाँ से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 3/3 ऑर्डर का मॉड है, इसको एक्सपेंड करना हमें लास्ट टाइम सीखा हुआ है, इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो वन को एक्सपेंड करेंगे, पहले 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा ये वाला कॉलम रो ड्रॉप करेंगे कि 4 बचेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 + x * 2 + x, ये पहला वाला इसका बन गया,
उसके बाद माइनस लगाया करते हैं, लगाने के बाद हमारे पास ये वाला एलिमेंट आएगा जो सेकंड उसका एलिमेंट है, ये क्या है जी 2+x आ जाएगा इन टू ये वाला कॉलम और वो ड्रॉप कीजिए, बाकी ये दो और ये दो बचेंगे। ठीक है, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 2 आ जाएगा, 2 आएगा माइनस, उसके बाद क्या करना है ये दो और ये दो हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3+x ये बन जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद लास्ट एलिमेंट है वो 3 है, ये वाला 3 आ गया, ये दो और ये कॉलम ड्रॉप किया बाकी ये 4 बच गए, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2+x − 3 × 1 देखिए 0। जस्ट मैंने इस तरह पहले हम इसको इवेल्युएट करते हैं 3x3 ऑर्डर का जो जर्मिनेंट है सेम हमने वो उसी तरह इसको सॉल्व किया है। अब सिंप्लीफाई करना है, देखिए इसके बाहर 1 ख़त्म हो जाएगा तो ये 1 माइनस इसे मल्टीप्लाई करें 3 × 2 करें तो ये 6 आ जाएगा, और देखिए बाहर माइनस है इसका सारी इसकी साइन चेंज होगी, 3 × 10 = 6 आ गया, 3 × x 3x बनेगा, फिर ये 2x बनेगा, 3x + 2x करेंगे तो 5 होता है, लेकिन चूँकि बाहर माइनस माइनस 5 आ जाएगा, और 3 × 6 होता है मेरे पास सॉरी x टाइम x करेंगे वो x स्क्वायर होता है, तो वो जो कि बाहर माने से वो x हो गया। ठीक है, पहले में से ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बची हुई ये है, इसमें ये 2+x बाहर वैसे रखिए और अंदर आ जाइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 - देखिए 3 × 3 9 होता है, तो 2 - 9 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, और 3 × x करेंगे तो ये माइनस का 3x यहाँ से बचेगा। लास्ट में आ जाइए 3 और ये 2 × 2 = 4 होगा, 3 वो है 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2+2 × x करेंगे तो वो 2x इसका = 0। अब ये फर्स्ट वैसे वही रहेगा, 1 - 6 करेंगे देखिए ये -5 आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ गया, फिर माइनस का 5x आ गया, -x² आ गया और इधर आ जाइए, अब ये मल्टीप्लाई कीजिए 2 × -7 होता है -14 जो कि बाहर माइनस है, तो देखिए ये प्लस के 14 बन जाएगा, तो 2 × -3x -6x बनेगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो प्लस का 6x बनेगा, ये -7x है ये भी प्लस का 7x बन जाएगा, और ये x -3x बनेगा 3x के ये माइनस में आएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा +3x² बनेगा। ठीक है, ये आप देखें तो ये सारे के सारे जो अंदर आनी थी वो नेगेटिव में टर्म आनी थी, लेकिन जो कि बाहर माइनस सारी पॉजिटिव हो गई। सेम यहाँ पे कीजिए, ये 3 × 1 = 3 बनेगा और ये 6x = 0 बन जाएगा। अब मजीद से इसमें -x² ये टर्म में 3x² नहीं बनेगी, 2x² आ जाएगी मेरे पास, ये 2x² टर्म यहाँ पे आएगी। उसके बाद देखिए x वाली टर्म दीजिए -5x है, ठीक है ये x टर्म है, ये x वाली टर्म है, उसके बाद ये x वाली टर्म है और ये x वाली टर्म, -5x + 6 तो +1 रह जाएगा, +1 + 7 + 8 हो जाएगा, 8 + 4 = 6 करेंगे तो ये 14 का x आ जाएगा। उसके बाद एक कॉन्स्टेंट टर्म, ये कॉन्स्टेंट टर्म है -5, ये प्लस के 14 है और ये 3 है, 3 + 14 = 17 में से 5 निकालेंगे तो देखिए प्लस के 12 रह जाएंगे = 0। अब ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक कोई है, इसमें आप 2 कॉमन लेके ड्रॉप कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो x² + 7x + 6 = 0 रहे, उसे डिवाइड करेंगे तो ये x² ये बनेगा x² + 7x, उसको आप ब्रेक कर दीजिए, रिटर्न ब्रेक कर दीजिए तो +6x + x बनेगा, +6 = 0 बनेगा। यहाँ से देखिए x कॉमन आएगा, यहाँ कर देता हूँ, x कॉमन आएगा तो x + 6 रह जाएगा, दूसरे में 1 कॉमन आएगा तो वो x + 6 हो जाएगा, x + 6 दोबारा से कॉमन लेंगे तो मेरे पास जो है = 0, ये x + 6 × x + 1 रह जाएगा, और यहाँ से x की आएंगी 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी -6 और एक आएगी -1, ये आपका फाइनल आंसर। जस्ट आपने एक सिंपलीफिकेशन है, कोई इसमें नई बात नहीं है, जस्ट आपने इसको 3x3 जो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, और उसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरह करने हैं आपने। अच्छा, और देखिए इसके अंदर हमें एंड पे जो है क्वेश्चन है इनवर्स फाइंड करने का तरीका, हमने एक तरीका सीखा है इनवर्स फाइंड करने का, उसका जो दूसरा तरीका है मैं आपको वो अब सिखा देता हूँ, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने का सेकेंड मेथड। पहला जो मेथड में बड़ा था आपको याद होगा, उसके अंदर हम रो एचलोन फॉर्म वगैरह इस्तेमाल करते थे, इस वाले मेथड में हम वो वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 83 है, 4 है, 2 है, 2 है, उसके बाद 3 है, और फिर ये 3 है, ये 2 है, और 2 4 2 है, ये मेरे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
इसका मैंने फाइंड करना है इनवर्स, ठीक है। इसका नाम रखेंगे, इसका नाम आप ए रख ले। तो पहला काम क्या होता है कि आपने इसका मॉड फाइंड करना है, ठीक है। इसका मॉड आपने फाइंड करना है, ए मॉड फाइंड करना है। ए मॉड फाइंड कैसे करेंगे, फोर आएगा, ये टू आएगा, टू फिर थ्री, थ्री टू, टू फोर और टू आ जाएगा। इसका मॉड लीजिए, अभी हमने इवेल्युएट किया ये मॉड और देखिए इसका आंसर क्या आता है। पहले इसमें देखिए फोर आएगा, ये फोर रो कॉलम ड्रॉप किया, बाकी ये चार बच गए, थ्री टाइम टू सिक्स आएगा, माइनस टू फोर इजार एट आ जाएगा। दूसरे की साइन चेंज करेंगे, ये टू आ जाएगा, ये वाला कॉलम रो ड्रॉप करेंगे, बाकी ये दो और ये दो बचेंगे, थ्री टाइम टू सिक्स आएगा और माइनस देखिए आपके पास फोर आएगा, प्लस टू आ जाएगा, ये रो कॉलम ड्रॉप कीजिए, ये चार बचेंगे, ये थ्री टाइम्स फोर ट्वेल्व आएगा, ट्वेल्व माइनस सिक्स, देखिए ट्वेल्व माइनस सिक्स बन गया। ये फोर अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, अंदर देखिए माइनस टू आ जाना है, ये फोर अंदर माइनस टू आएगा, इसका अंदर देखिए आपके पास टू आ जाएगा, और लास्ट वाले में जो है, लास्ट वाले में प्लस टू बाहर है और अंदर सिक्स रह जाएगा, ये बनेगा मेरे पास माइनस का एट, माइनस के फोर और प्लस के ट्वेल्व, माइनस एट माइनस फोर प्लस ट्वेल्व, तो क्या बन गया इसका आंसर, जीरो आ गया। अनफॉर्चुनेटली अगर ए मार्ट जीरो आ गया, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ऐसे मैट्रिक्स का नाम होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है वन ओवर ए मॉड है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो देखिए ओवर में मॉड है, अगर ये जीरो ओवर में आएगा तो ये अनडिफाइंड, इट मीन्स इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस वाले क्वेश्चन में आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। चलिए कोई और पकड़ते हैं क्वेश्चन, ये तो वैसे ही नहीं पॉसिबल हुआ, हम इसका कोई और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। अच्छा 83 के बाद 84 दिए हुए हैं, 85 है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए हम अब 85 लेते हैं, होपफुली इसका एग्जिस्ट करेगा। तो जो ए उसका दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये है जी 103 और 012 और लास्ट में है 524। अब आप ऐसा करें जल्दी से, आप खुद ज़रा इसका चेक करें कि ए मॉड कितना आता है, ज़रा आप सबको फाइन करें, ज़रा चेक करें इसका ये मॉड कितना आता है, पेंसिल और निकालिए और साथ साव कीजिए, इसका ए मॉड निकालिए कितना आता है, सब बच्चे साव करें, साथ पेंसिल और लेके आया करें, क्विकली साव करें, ये देखिए इसका इनवर्स क्या निकलता है, इसका मॉड क्या निकलता है। माइनस 15 क्या आ रहा है, माइनस 15 आ रहा है सर, माइनस 15 किसी और का भी आंसर आया माइनस 15, देखिए जरा, देखिए पहला आपका 1 बनेगा, 1 कॉलम रो ड्रॉप के लिए 4 आता है, 4 माइनस 4 दूसरा 0 बन रहा है, और तीसरे में 3 आएगा, ड्रॉप करेंगे ये 0 माइनस 5 आएगा, ये पहला भी 0 बनेगा, सेकंड 0 है और ये माइनस का 15 बनेगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो माइनस का 15, वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है। क्या बाकियों के यही आंसर आए हैं? यस सर। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या फाइंड करना है, क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1 ओवर ए मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना, आपने तो एडजॉइंट फाइंड किया होगा वो 2/2 होगा, 3/3 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है, ये एक बिगर मैट्रिक्स होता है, मैं बड़े साइज का मैट्रिक्स बनाऊ, और इस मैट्रिक्स जब भी आप फाइंड करेंगे साथ इसका आपने ट्रांसपोज भी देना है, पहले लगा जो भी इसका आएगा आंसर साथ में ट्रांसपोज देना है। अब इसके एलिमेंट क्या होंगे, इसके एलिमेंट होगा 3/3 का, पहला इसका पॉजिटिव एलिमेंट होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा पॉजिटिव होगा, इसी तरह चौथा करेंगे वो नेगेटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, इनकी तरतीब यही होगी। उसके बाद एलिमेंट होगा क्या, जो पहला एलिमेंट है 1, जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट लीजिए, आपने ए को साथ साथ रखना है,
ये वन आप ड्रॉप कर दीजिए, इसका कॉलम और रो ड्रॉप कीजिए और जो रिमेनिंग चार बचते हैं उनका मॉड लीजिए। इसमें पहले आपने किया फोर टाइम्स वन फोर होगा, ऐसे ब्रैकेट निकालिए, फोर माइनस टू टाइम्स टू करेंगे तो फोर आएगा। ये साथ वन मल्टीप्लाई नहीं करना हमें, सिर्फ आपने जो है उसके जो जो मॉड बनता है चार एलिमेंट का आपने बस वो देना है। सेकेंड के लिए क्या करें, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये जीरो है तो ये क्या आपका जीरो वैसे ही आ जाएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। थर्ड में जब आएंगे तो आपने ये कंपेयर करना है, थ्री लेना है, लेकिन थ्री आपने एलिमेंट नहीं लेना है, सिर्फ आपने उसका कॉलम और रो ड्रॉप करनी है। जो बाकी चार बचते हैं उनका लीजिए, जीरो टाइम टू करेंगे तो ये जीरो आएगा, माइनस फाइव इंटू वन करेंगे तो ये फाइव। सेकंड वाले में ये कुछ पूछे ऊँची पूछे में समझ नहीं आया, पूछा आपने सर, आपने आपने कहा था वो एलिमेंट खुद नहीं लेना, जैसे वो वन वाले में हमने खुद नहीं लिया वन, तो हमने जीरो क्यों लिया सेकंड वाले? हाँ जीरो क्यों लिया, अब गुड क्वेश्चन, लेकिन देखिए जरूर इसलिए लिया कि मैंने जीरो नहीं लिया असल में जब आपका, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने ठीक कहा ये जीरो यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि हमें वो निकालना पड़ेगा, जीरो तब आएगा जब आप जीरो उसमें कंसिडर करेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें यहाँ पे जो है वो एलिमेंट नेगेटिव आएगा, ये जीरो वाला कॉलम और रो ड्रॉप करेंगे, फोर टाइम जीरो करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा और फाइव टाइम टू करेंगे तो वो टेन आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसी तरतीब को फॉलो कीजिए, अब ये वाला एलिमेंट है जीरो, इसका कॉलम और रो ड्रॉप कीजिए, ये वाले दो और ये दो बचेंगे, फोर टाइम जीरो जीरो होगा और माइनस सिक्स होगा, तो देखिए क्या बनेगा, जीरो माइनस सिक्स बन जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, ये एलिमेंट इससे मैच हो रहा है, ये वाला कॉलम रो ड्रॉप कर दीजिए, ये कॉर्नर बनेंगे, फोर टाइम्स वन बनेगा, थ्री टाइम फिफ्टीन बनेगा तो फोर माइनस फिफ्टीन बन जाएगा। लास्ट पे आ जाइए, ये एलिमेंट आएगा, ये वाला कॉलम रो ड्रॉप करेंगे, ये टू इंटू वन और जीरो बनेगा तो जस्ट ये मेरे पास टू आ जाएगा। अब इस पे आ जाइए, ये एलिमेंट से आ रहा है, ये कॉलम रो ड्रॉप कीजिए, देखिए ये टू टाइम जीरो जीरो बनेगा, जीरो माइनस थ्री तो माइनस थ्री बन जाएगा, इसका आंसर माइनस थ्री आएगा। फिर ये आ जाइए, इसका रो और कॉलम ड्रॉप कीजिए, ये वाले दो और ये दो बचेंगे, वन टाइम्स टू 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 माइनस जीरो तो इसका देखिए जस्ट टू आ जाएगा, और लास्ट ये वाला ड्रॉप जब करेंगे तो वो वन जस्ट इसका एलिमेंट होगा, ठीक हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये इस पहला जीरो बनता है, ये माइनस इंटू माइनस टेन तो ये टेन बनते हैं, उस पर ये माइनस के फाइव बनते हैं, ये देखिए प्लस का सिक्स बन जाएगा, ये माइनस के इलेवन बन जाएंगे, ये माइनस टू आ जाएगा, ये वाला माइनस का थ्री आएगा, ये माइनस टू आएगा और लास्ट आपका वन आएगा, और इसका आपने साथ ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते, तो ये जीरो, ये टेन, ये माइनस के फाइव, ये सिक्स, ये माइनस के इलेवन और ये आएगा माइनस के टू, ये माइनस का थ्री आ गया, ये माइनस का टू है और ये वन है, तो देखिए ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जब आ जाएगा तो हमारे पास जो ए इनवर्स का फार्मूला है वो क्या होता है, ए इनवर्स बराबर है वन ओवर ए मॉड इन टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वन ओवर ए मॉड, ए मॉड आपने पहले निकाला हुआ है वो कितना आपका आया था वन माइनस फिफ्टीन, वो आपका नीचे आ गया फिफ्टीन आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ए अब आप निकाल चुके, ये जीरो, ये सिक्स, ये माइनस का थ्री, ये टेन, ये माइनस का इलेवन और ये माइनस का टू और उसके बाद माइनस के फाइव, ये देखिए माइनस टू और ये वन आएगा, ये मेरे पास आ गया इसका एडजॉइंट। लास्ट आप इसका स्टेप करें और इस जो फिफ्टीन है इसको अंदर लाकर हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि बटे के नीचे है, तो पहला तो जीरो रहेगा, बाकी बचेगा सिक्स ओवर फिफ्टीन, कैंसिल करेंगे तो माइनस टू ओवर फाइव रह जाएगा, माइनस थ्री ओवर फिफ्टीन करेंगे तो ये वन ओवर फाइव रह जाएगा, 10 ओवर 15 करेंगे तो वो माइनस टू बाई थ्री रह जाएगा, माइनस इलेवन करेंगे तो ये 11 ओवर 15 आएगा, ये बनेंगे करेंगे तो ये 2 ओवर 15 आएगा, लास्ट करेंगे देखा ये 1 ओवर 3 बन जाएगा, ये 2 ओवर 15 आ जाएगा और माइनस 1 ओवर 15 आएगा। जैसे आपने इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर देना है, ये देखिए जो आपका लास्ट में आ गया है ये दरअसल आपका इनवर्स मैट्रिक्स है, माइनस 2 ओवर 3, 11 ओवर 15, 2 ओवर 15, 1/3, 2/15 और ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ये इसका सेकंड मेथड है किसी भी मैट्रिक्स का 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का। आपने एक पहले सीखा है जिसमें हम रो एशलन फॉर्म में इस्तेमाल करते थे और एक साथ रेंडी मैट्रिक्स लेकर अपने ए को रेंडी करते थे और फिर जो ए वाला जो कन्वर्ट होता था वो आपका इन्वर्स बनता था। अगर आपको वो मेथड आसान लगता है आप वो अडॉप्ट कर लीजिए, अगर आपको ये वाला मेथड आसान लगता है तो आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है। दो तरीके आ गए हैं, लेकिन सम टाइम पेपर में क्वेश्चन को भी लिखा होता है कि ये वाला आपने मेथड अडॉप्ट करना है तो फिर आपको वही अडॉप्ट करना पड़ेगा, इट मीन्स आपको दोनों मेथड जो वो सीखने पड़ेंगे। अगर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई तो फिर आप जो चाहे यूज़ कर लें, लेकिन अगर क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो आपको उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो भाई? सर आंसर सेम ही आएगा ना दोनों तरीकों? एग्जैक्टली एग्जैक्टली आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ये नहीं होता कि उसका आंसर ओवर आए, इसका आंसर इनके यूनिक होते हैं, यूनिकली आप इनके आंसर में आओ इनके आंसर नहीं। ये बहुत सारे पीछे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपने मैट्रिक्स को जीरो प्लग करना होता है, उसके डिटरमिनेंट को मैंने बताया था, आपने टू रोज टू कॉलम्स सेम आ जाएंगे, कोई एक रो सेम आ जाए तो आपका जो मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो जीरो बन जाता है। ये आपने क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं, आपने अगर गलत नहीं किया कुछ नहीं, चार पॉइंट किया आपके पास, अगर आपने उसको कोई काम नहीं किया, आपने वेस्ट कर दिया, तो फिर ये आपका बटन बटन है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करना है और दो कॉलम या दो आपने रो जो वो सेम कर लेनी है। लाइक मैं 71 क्वेश्चन कर रहा हूँ जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि कितना आसान है। 71 में देखिए मैं दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा फिर वन है और फिर कॉस स्क्वायर थीटा है, उसके बाद फिर एंगल का चेंज किया है फाई है और फिर जाई है, तो दूसरे में जो है वो सेम इसी तरह आएगा। ये साइन स्क्वायर इसमें एंगल पाई है, ये फिर वन है और ये कॉस स्क्वायर पाई है। तीसरे में साइन जो है साइन स्क्वायर जाई दिया हुआ है, ये वन है और लास्ट में कॉस स्क्वायर जाई है। आपने प्रूफ करना है कि ये जो मॉड है ये जीरो के बराबर है, एक्सपेंड नहीं करना आपने। आपने क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में उसने शो कहा हुआ है, तो शो दैट कहा हुआ है उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, एक्सपेंड कर भी सकते हैं लेकिन हम इसको एक्सपेंड किए बगैर करेंगे। क्या करेंगे इसके अंदर, मैं इसके अंदर जो कॉलम वन है वो कॉलम टू को ऐड करता हूं और इसका जो रिजल्ट है वो कॉलम वन में लिख देता हूं। तो क्या बनेगा मेरे पास, कॉलम वन टू जब ऐड करूंगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई बन जाएगा और लास्ट बनेगा मेरे पास साइन स्क्वायर साइन और फिर कॉस स्क्वायर पाई है और फिर कॉस स्क्वायर जाई है वो वैसे का वो वैसे है। जस्ट मैंने एक इसमें स्टेप किया है और कॉलम जो वन और थ्री है, सॉरी ये मैंने कॉलम टू लिखा, ये कॉलम थ्री, कॉलम वन और थ्री है, ठीक हो गया। अब देखिए हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री से जो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा ये वन होता है, इसका मतलब ये वन बनेगा। सेम एंगल बेशक चेंज हो जाए, अगर साइंस के प्लस कॉस के है तो वन बनता है, ये भी वन बन जाएगा और कॉलम जो टू है वो ऑलरेडी देखिए वन वन के बराबर है और लास्ट में जो बनता है वो वैसे का वैसे कॉस के थीटा आएगा, ठीक है, ये कॉस के पाई आएगा और ये जो है कॉस के जाई आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे दो कॉलम सेम आ गए, इसकी वैल्यू जीरो बन जाएगी और रीजन ये बनेगी कि जो कॉलम वन है और जो कॉलम टू थे ये आपस में आइडेंटिटी रहे, ठीक है, और देखिए इसका वैल्यू जीरो और यही मुझे प्रूव करना है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोगों ने ऑपरेशन अप्लाई करनी है, दो कॉलम दो रो सेम करनी है या कोई एक कोई रो या कॉलम का जीरो करना है और उसकी वैल्यू जीरो बन जानी है। जो डिफरेंट मुझे सारे करवा दिए हैं, अगर आप गो थ्रू कर ले वेट करते पूरे खत्म हो चुके हैं, आइडेंटिटी है, लेकिन मैंने जो सारे डिफरेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं कल हमने स्टार्ट करनी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमने रो ऑपरेशन पढ़े हैं उसके जरिए हमने गॉसियन मेथड और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए अपने इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आप लोग ज्वाइन ब्रा ले सर, क्लियर है, जो बाद में आए हैं मुझे भी जानूँ कि आपको समझ आई है नहीं आई है, आप साथ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप कितना साथ स्टडी करते हैं, इस वक्त आपकी चॉइस है और जब आपका एंड पे आना है तो फिर उस वक्त चॉइस